हेलो एवरीवन, तो हर बार की तरह इस बार भी मैं लेकर आया हूँ आपके लिए कुछ कमाल की हार्ट टचिंग टाइप पंजाबी लव स्टोरी मूवीज। क्योंकि लव स्टोरी मूवीज की बात हो तो आप जानते हो पंजाबी इंडस्ट्री सबसे टॉप पर आती है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारी लिस्ट की नंबर 5 पर जो मूवी है, इस मूवी का नाम है दिल दियां गल्लां। कमाल की ड्रामा रोमांस बेस्ड मूवी है जो कि 2019 में रिलीज हुई। इस मूवी में आपको परमेश वर्मा और भूमिका गाबी लीड कैरेक्टर्स का रोल प्ले करते हुए नजर आएंगे। परमेश वर्मा लाडी के रोल में और भूमिका गाबी नताशा के रोल में कमाल की लव स्टोरी देते हैं। ये मूवी बहुत कमाल की है और उन लड़कों को तो ज्यादा पसंद आएगी जो 90s टाइप की नहीं बल्कि आज के दौर की लव स्टोरी मूवीज ज्यादा देखना पसंद करते हैं। बाय द वे, ये मूवी सबको ही पसंद आने वाली है। अगर कुछ सेटिस्फेक्शन नहीं मिल रही तो इस मूवी का ट्रेलर देख लेना, जिससे आपको अंदाजा हो जाएगा कि ये किस लेवल की मूवी है। और इस मूवी के सॉन्ग्स और म्यूजिक मूवी को और भी लाजवाब बना देते हैं। इस मूवी के सारे ही सॉन्ग्स बेस्ट हैं। इस मूवी में लाडी और नताशा की लव स्टोरी जो स्टार्ट से लेकर एंड तक ही ऐसे करके दिखाई गई है कि जिसे देखने के बाद आपका दिल करेगा कि इसे दोबारा देखा जाए। नंबर 4 पर है लॉन्ग लाची। इस मूवी को आई थिंक सभी जानते होंगे, लेकिन इस मूवी में महंगे के साथ क्या होता है ये किसी को नहीं पता होगा। तो इस मूवी के लीड में होते हैं महंगा, लाची और अजय पाल। इसकी स्टोरी में क्या होता है कि महंगा, जो कि कुछ इतना खास हैंडसम नहीं होता और थोड़ा गरीब भी होता है, महंगे की किस्मत जागती है कि इसकी शादी इतनी खूबसूरत लड़की से हो जाती है जिसका नाम होता है लाची। लाची फिल्मी बातों को ज़्यादा प्रेफर करती है और वो भी चाहती है कि उसकी भी कोई लव स्टोरी होती, तो इसलिए वो महंगे को कहती है कि हम दोनों लव स्टोरी का एक्ट करेंगे। महंगा लाची से बहुत प्यार करता है और लाची की हर बात मानता है। इनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही होती है, फिर इनकी लाइफ में एंट्री होती है अजय पाल की, एक तीसरे बंदे की, जिसके बाद महंगे की पूरी लाइफ बदल जाती है। नंबर 3 पर है दिलदारियां। ये मूवी थोड़ी ओल्ड ज़रूर है, तकरीबन 2015 में रिलीज हुई थी ये मूवी, थोड़ी ओल्ड है, लेकिन इसको मैंने अपनी आज की मूवीज़ की लिस्ट में इसलिए ऐड किया है क्योंकि ये मूवी मुझे बहुत इंप्रेस कर चुकी है। और मैंने आपको शायद पहले भी बताया था कि मैं आपको सिर्फ वही मूवी सजेस्ट करता हूँ जो मैंने भी देखी हूँ और मुझे बहुत पसंद आई हूँ। तो इस मूवी में परवान और पाली लीड रोल में होते हैं, जहाँ परवान पाली को पहली बार बस में देखता है, जिसके बाद उसे पाली बहुत पसंद आ जाती है। तो हर वक्त पाली की टेंशन पाने में लगा रहता है। परवान बहुत कोशिशें करता है पाली को हासिल करने की, लेकिन पाली को हासिल करना अब उसके लिए नामुमकिन सा हो गया है। उसके लिए पाली को हासिल करना नामुमकिन क्यों हो गया है? क्या वो पाली को कभी हासिल भी कर पाएगा? ये आपको मूवी देखने से ही पता चलेगा। नंबर 2 पर है साक। ये मूवी 2019 में रिलीज हुई थी, जिसमें आपको एक नहायत ही प्योर और इनोसेंट टाइप की लव स्टोरी मिलेगी। इस मूवी में करम सिंह, जो कि एक आर्मी मैन होता है, जिसे चांद कौर को देखने पर उससे लव हो जाता है। अब इस मूवी में जो टाइम पीरियड दिखाया गया है, जिस टाइम पीरियड में करम सिंह को चांद कौर से मोहब्बत होती है, उस दौर में लड़की को देखते हुए ही अगर कोई देख लेता था तो जान के लाले पड़ जाते थे। इस दौर में रह के करम सिंह का चांद कौर से बात करना तो दूर, देखना भी बहुत मुश्किल होता है। अब देखना यह है कि किस तरह करम सिंह चंद कौर का प्यार हासिल करता है। लेकिन इसके साथ साथ एक और भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ रही है, वो ये है कि चंद कौर का फादर किसी से भी अपनी बेटी की शादी कर देगा, लेकिन एक फौजी के साथ हरगिज नहीं। तो देखना यह है कि इन सब के बीच करम सिंह कैसे चंद कौर को हासिल करता है। नंबर 1 पर है हमारी आज की लिस्ट की मूवी जिंदे मेरी। ये मूवी एक ऐसी मूवी है जिसे मास्टरपीस मूवी कहा जा सकता है। और इस मूवी में यदविंदर, जो कि रहमत से बहुत प्यार करता है, रहमत भी यदविंदर से बहुत मोहब्बत करती है, लेकिन इसके बावजूद वो यदविंदर को छोड़कर बाहर जाकर किसी और से शादी करने लगती है। इन सब में यदविंदर के साथ जो होता है, उसका प्यार उसे क्या से क्या बना देता है, ये जब आप देखोगे तो आपको रोना आ जाएगा। और इस मूवी की एंडिंग तो और भी भयानक है। तो ये थी आज की हमारी लिस्ट की टॉप 5 मूवीज। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।